गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो भाई व्लॉग हिंदी में आने वाले हैं सारे के सारे। तो पहले मैं सब लोगों का वेलकम करना चाहता हूँ चैनल पे। तो इस बार क्या होने वाला है कि वैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा फ्रंट में, तो हम लोग आए हुए हैं चंबा। चंबा में एक फेस्टिवल हो रहा है चलो चंबा, जो कि ब्राउन बियर मोटर स्पोर्ट इसको डील कर रहा है सारे के सारे। आपको सारी डिटेल देंगे क्या हो रहा है। वैसे हिमालयन रेड होती थी जैसे, सेम ऐसे एक इवेंट हो रहा है ये। तो इसमें रैली होगी, सारा कुछ होगा, बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है। क्योंकि जो हिमालयन रेड थी वो बंद हो चुकी थी 18 में, तो ये दोबारा इन्होंने रिस्टार्ट किया इसको, तो आपको सारी डिटेल देंगे। तो फिलहाल मैं हूँ चंबा में। हम लोग कल आ गए थे, तो मैंने पहले शॉपिंग की सारी की सारी चंडीगढ़ से, तो क्योंकि कपड़े भी चाहिए होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं मैंने शॉपिंग कहाँ से किया सारा, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली साड़ी शॉपिंग हो गई है डन, तो हुण आपां इवेंटली हैगे रेडी, तो चलांगे। तो बहुत ही मैनूं वधिया बेनीफिट मिल गया ऐप तो भी, तुसीं भी उसी ज्वाइन कर सकते हो कैप्शन दी नूं। बाकी किते भी जाके तुहानूं तुसीं इंडिया पंजाब दे किसी भी स्टोर तो जाके शॉपिंग कर सकते हो, कैप्शन तो सारे ब्रांड इन्हां कोल अवेलेबल ने। तो भाई सारी सारी शॉपिंग की, बहुत अच्छी उनके पास कलेक्शन अवेलेबल है, तो आप वहाँ से कैप्शन से सारा कुछ ले सकते हैं। देख सकते हैं फाइनली चंबा पहुंच चुके हैं, तो रैली का बोर्ड भी लगा सामने। तो बाद में फिर हम लोग भाई चंडीगढ़ से चले, तो हम लोग सीधा चंबा आ गए, रात को लेट पहुंचे थे। तो कल हमने कुछ नहीं किया क्योंकि कल उनका तैयारी वगैरह चल रही थी, मैंने भी रेकी वगैरह की फिर कहाँ से शॉर्ट्स वगैरह ले सकते हैं। तो आज जो है इनका मेन डे शुरू हो रहा है, जहाँ से आज 9th है, तो 9th अप्रैल है, तो ये 9th, 10th और 11th तक चलेगा। तो सारा आपको इसकी डिटेल देंगे। तो फिलहाल हम हैं होटल में, तो यहाँ पर हमारा सारा खिलारा बैग वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो फिर हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं सुबह के। तो आओ चलते हैं और आपको भी सारा एंजॉय कराते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है भाई सारा। दोस्तों क्या हाल चाल है, हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड में जहां सारा का सारा इवेंट ये हो रहा है, और हम आपको मिलाते हैं अक्षय से जिन्हें सारा ब्राउन बियर की ओर से जो सारा का सारा मैनेज कर रहे हैं सारा कुछ है। सर क्या हाल चाल है। बहुत बढ़िया बढ़िया सर, मेरे बढ़िया सर बढ़िया। मेरे फ्रेंड मेरे व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड कर दो भी, इवेंट क्या आप करवा रहे हो, क्या सिस्टम है और क्या ये होने वाला है। सर ऐसा है कि ये 3 दिन की रैली है, ठीक है। इसमें पहली स्टेज है ट्रिपल एस, सुपर स्पेशल स्टेज जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद 2 दिन की एक्सट्रीम रैली है जो हमारे चंबा के आउटस्कर्ट्स हैं, वहाँ पे हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। जिसका मेन मोटिव है कि जो हमारे बैकवर्ड एरियाज है वो प्रमोट हो और यहाँ का टूरिज्म प्रमोट हो और थोड़ा सा मोटर स्पोर्ट के लिए हमारा जो प्रेम है वो उसको भी एक राइज करने के लिए हम ये कर रहे हैं इवेंट है। तो 9, 10, 11 की डेट्स हैं। 9 तारीख को आपका ये ट्रिपल एस है जो अभी वह स्टार्ट ही होने वाला है। 10 और 11 को हमारा आउटस्कर्ट्स पे है, 11th को किरण रिजो जी आके वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करके इसका सारा कुछ कर। मेरे हिसाब से आपने थोड़ा सा इसको इस तरह से प्लान किया जैसे हिमालयन रेड होती थी या कुछ होता था। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस टाइम ये पूरे इंडिया में इकलौती माउंटेन रैली है। रेड द हिमालय 2018 में बंद हो गई थी, उसके बाद ये इकलौती आपकी ये माउंटेन रैली है। तो चंबा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ HP टूरिज्म सारी एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट के साथ हम इसको प्लान अप करके करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी देखते हैं सर कैसे रिजल्ट है। बहुत अच्छा है, लाइक मैं भी अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा कि आप इसको कर रहे हो, आपने मेरे को इनवाइट किया इस इवेंट के लिए। तो हम लोग आपको सारा का सारा इनकी तरफ से सारा इवेंट कवर करके दिखाएंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। बाकी कोई भी आपकी इंक्वायरी या कुछ भी हो नेक्स्ट टाइम के लिए तो आप इनकी वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट कर लेना। और थैंक यू सो मच। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके थे ग्राउंड में जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे स्क्रूटनी हो रही है गाड़ियों की, तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए रैली के लिए, क्या इनकी स्पेशलाइजेशन है, हम सारी आपको बताएंगे। हेलो सर क्या हाल चाल है। ठीक ठाक। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स को भी थोड़ा सा ये गाइड कर दो कि लाइक क्या स्पेशल चाहिए गाड़ियों में, क्या आपकी स्कूटनी में आप पास करते हो, क्या नहीं होता, क्या प्रोसीजर होता है इसका। बेसिक जो हमारी फोर्स होती है वो होता है रैली सेफ रहे, द व्हीकल इज एक्सीडेंट प्रूफ एक्चुअली। अगर पुट्ठी सीधी हो भी जाए तो जो ड्राइवर अंदर बैठा उसको चोट नहीं लगनी चाहिए। सो उसके लिए गाड़ी के लिए रोल केज एंड देन वी हैव 6 हार्नेस बेल्ट लगी होती है उनके बकेट सीट पे। अगर जो रोल करे भी गाड़ी तो दे डू नॉट कम आउट ऑफ द सीट।
एंड देन गाड़ियों पे होते हैं जब गाड़ी उठी हो जाए चले ना तो उसका स्विच ऑफ हो जाता अपने आप इंजन, दैट हैज टू हैपन, दे हैव टू स्विच ऑफ, आग ना लग जाए कहीं. देन वेरी सारे दीज सेफ्टी मेजर्स ऑल देयर, दे हैव टू हैव अ फायर एक्सटिंग्विशर देयर एंड दे हैव टू हैव ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो बेसिकली सेफ्टी के लिए जो भी हो सकता है वो हम चेक करते हैं इधर. बिसाइड द टेक्निकल इंजन, वो डिपेंड करता है कौन सी क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका इंजन चेक. तो भाई आपको नॉलेज मिल चुकी होगी भी कैसे कैसे होता है. तो प्रॉपर सेफ्टी के बिना नहीं चला सकते, लेकिन इसमें जो ट्रैक्स होने वाले हैं बहुत गंदे होने वाले हैं. जो आज जैसे कि आप देख सकते हैं इंजन वगैरह की चेकिंग हो रही है, तो उसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है. फिर आप गाड़ी के अंदर देख सकते हैं कि प्रॉपर ये सारी की सारी रोल केज लगी हुई है. सारी अंदर गाड़ी की रोल केज होती है, पर सीट्स जो है इसकी स्पेशल सीट्स रहती हैं जो कस्टम की होती हैं. इसमें जैसे बेल्ट की बात की थी तो ये बेल्ट्स हैं सारी की सारी. भाई यहाँ पे बाइकिंग का भी साथ में है, तो हीरो पहुंचा हुआ जैसे कि रेडबुल में भी आपने देखा था, तो आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा. हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो भाई? क्या हाल है? ठीक ठाक है. तो आप लोग भाई देख सकते हैं इनके टायर्स थोड़े से स्पेशल रहते हैं रैली वाले. आप देख सकते हैं इनकी हाइट जो है कम होती है टायर्स की. भाई इनके सारे के सारे स्पॉन्सर्स हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन इस इवेंट को स्पॉन्सर कर रहा है. सारा का सारा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. तो भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट इंडिया से काफ़ी ज़्यादा जो हैं ऑफ रोडर्स बोल सकते हैं, रैली ड्राइवर्स बोल सकते हैं, काफ़ी जो लोग हैं वो हैं यहाँ पे. लाइक मैं भी जैसे इवेंट्स आप लोगों को पता है हर एक इवेंट इंडिया कवर करता हूँ, तो यहाँ पे सर आए हुए हैं जो कि मेरे साथ अभी अभी कौन सा सर आपने इवेंट खेला था? हेलो सर. सर अभी INRC का राउंड करके आया ईटानगर, उसके बाद UDC. वेट कर रहा हूँ और इवेंट्स की जैसे जैसे खुलते जाएंगे. एंड थैंक्स टू चंबा एंड मोटर ब्राउन बियर मोटर स्पोर्ट्स फॉर गिविंग अस दिस द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट. हम आपका यहाँ पे क्या प्रोसीजर है वैसे? सर डॉक्यूमेंटेशन चल रही है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आप थोड़ा सा गाइड कर दो. सर यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब लाइसेंस और ऑल सब कुछ यहाँ पे चेक हो रहा है 4-व्हीलर्स का सर. ओके ठीक है, थैंक यू. तो भाई जैसे रेडबुल पे इवेंट पे भी गए थे तो सर लोग वहाँ पे मिले थे, चैंपियंस हैं ये हीरो के. तो सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तो सर इस इवेंट की क्या एक्साइटमेंट है और क्या क्या सोचा है कि क्या करना है? तो ये इवेंट एक्चुअली पहली बार चला रहे हैं हम, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो है बिकॉज पहली बार, और चंबा का रूट भी बहुत अच्छा है तो सब लोग ने बोला. तो कल रेस में वो देखने के लिए और चलाने के लिए मज़ा तो आएगा तो उसके लिए थोड़ा एक्साइटमेंट है. तो मैंने लास्ट टाइम इनकी जो राइडिंग देखी थी ना वहाँ पे बैंगलोर में देखी थी, तो आई लव इट, क्योंकि मेरा भी वो पहला इवेंट था जो मैंने बाइकिंग का कवर किया था तो पर लेकिन बहुत अच्छा था. तो ये बहुत 4-व्हील्स है ये भाई, बहुत डिफिकल्ट है इनको चलाने के लिए, क्योंकि जब मैंने वहाँ देखा तो आई एम रियली शॉक कि भाई इतना मतलब रिस्क लेके आप लोग इस चीज़ को गेम को चला रहे हो. तो इसलिए ये लोग बहुत अच्छा उसमें ड्राइव करते हैं, तो काफ़ी अच्छा इनका वहाँ पे भी रहा. हाँ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत इस बार बेस्ट ऑफ लक कि हम लोग इसमें. थैंक यू. भारत सरकार के सहयोग से और इसके साथ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. सर कैसे चल रहा है, क्या प्लानिंग है अभी, क्या कैसे इवेंट होगा और क्या क्या नया लग रहा है इसमें? बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है. अभी हम लोगों का SSS होना है, SSS करेंगे, उसके बाद हम सर्विस लेंगे 30 मिनट की, उसके बाद गाड़ियाँ हमारी सब प्लेटफॉर्म में खड़ी हो जाएंगी और फिर हम कल सुबह 6 बजे पहली कार यहाँ से निकलनी है. तो क्या एक्साइटमेंट है, लाइक कल के ट्रैक्स कैसे होंगे, क्या उसके लिए लाइक लग रहा है कुछ डिफरेंट होगा या टफेस्ट होंगे या कुछ होगा ऐसा? कल की स्टेज बहुत ट्रिकी है, पहली स्टेज अच्छी है, सेकंड स्टेज नैरो है, रफ है, टाइट कार टूटेगी उसमें, उसके बाद हम सर्विस के लिए आएंगे वापस यहाँ. मतलब प्रॉपर आप लोग तैयार हो उस चीज के लिए? गाड़ी बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, हम लोग रेडी कर चुके हैं हम लोग. ठीक है भाई, यहाँ पे स्विफ्ट गाड़ी भी है एक. तो हेलो सर, क्या हाल है? बढ़िया सर. क्या फिर कैसे इवेंट का क्या सोचा हुआ, क्या करना है? बस सर इवेंट काफी टफ है, ट्रैक बहुत डेंजरस है, तो इट इज अ रेस ऑफ सर्वाइवल. फर्स्ट टाइम चंबा में मेरे ख्याल से रैली हो रही है और ट्रैक बहुत फास्ट, बहुत डेंजरस, बहुत बढ़िया है. तो आपने पहले भी कोई रैली खेली हुई है? हाँ जी सर, मैं INRC कर चुका हूँ एंड दिस ईयर आई वाज INRC चैंपियन इन INRC 2 कैटेगरी. Six.
दोस्तों ये इस रैली में ऐसे भी होता है, गाड़ियां पलट भी जाती हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से इस बस में जो पार्टिसिपेंट्स हैं 30 प्लस जो हैं वो गाड़ियां हैं जो कर रहे हैं इसको, खेल रहे हैं इवेंट्स को, और बाइकर्स जो हैं वो भी काफ़ी आए हुए हैं। तो उनकी मेरे को पता नहीं है अभी कितने लोग आए हैं, आई थिंक 50 प्लस हैं। तो फिर भी बहुत अच्छा इवेंट है, तो मैं भी पहली बार ऐसी रैली कवर कर रहा हूँ, तो पता नहीं कैसे कवर हो पाएगी, पर फिर भी चलो देखते हैं। तो आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे, अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर फॉलो कर लेना भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे इवेंट मेरे को। की हाल चाल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका यहाँ पे चंबा में स्वागत है। ओकी रैली अच्छे से हम इसको सक्सेसफुल और आराम से करेंगे। तो दोस्तों ये जो चल रहा था टेपलेक्स चल रहा था, जो इन्होंने अभी बंद कर दिया क्योंकि 7 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, तो ये रात में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बंटिंग दिख नहीं रही है अंधेरे में, तो इसलिए इन्होंने अभी क्लोज कर दिया। तो स्टेज को आई थिंक कैंसिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कल वाली स्टेजें चलेंगी तो उसका कल का कल आपको सारा का सारी डिटेल देंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि सब कुछ यहाँ से समेटेंगे और निकलेंगे, क्योंकि सुबह 6 बजे आई थिंक जो मेरे को पता चला है कि 6 बजे स्टेजें शुरू करनी है इन लोगों ने, तो बाद में सारा दिन चलेगा। मेरे को ये नहीं पता कि कल की कितनी फुटेज आपको दिखा पाऊंगा, लेकिन जो आज आपने अभी देखी फुटेज ये बहुत नेक्स्ट लेवल थी, तो लेकिन काफी इंटरेस्टिंग था। तो आज वाला जो दिन है ना आपने काफी एंजॉय किया होगा, कुछ इन्होंने लोकल यहाँ के जो कल्चरल थे वो स्टॉल्स लगे थे, कुछ और लोग भी मिनिस्टर्स लोग आए थे, काफी लोग आए थे, तो काफी अच्छे तरीके से उन्होंने ड्रेस किया, क्योंकि चंबे में ये पहली बार आई थिंक जो रैली हो रही है। तो आप लोग भी इस व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे, तो बाकी सीरीज चलेगी इसकी, तो आप लोग भी इसको एंजॉय करना। तो अभी अंधेरा होगा तो मैं भी फुटेज ज्यादा आपको दे नहीं पाऊंगा, आराम से होटल जाऊंगा और रेस्ट करूंगा, ये व्लॉग एडिट करूंगा और आपको कल को दिखाएंगे। तो बाकी किसी की भी क्वेश्चनिंग हो रैली के मुताबिक तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, तो मिलेंगे कल को नया व्लॉग और नया दिन लेके। बाय बाय, टेक केयर।